नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नई आवाज। मैं हूं आपके साथ सिराज। ईडी के दस्तावेजों से खुलासा हुआ है कि झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले बड़े सिंडिकेट का हिस्सा है। इन दस्तावेजों के मुताबिक सोरेन ने 12 संपत्तियों पर अवैध कब्जा किया है, यानी करीब 8.5 एकड़ की करोड़ों की सरकारी जमीन पर कब्जा किया है। ये सब फर्जी सेल डिड और दस्तावेजों के आधार पर किया गया है। उन पर रेवेन्यू रिकॉर्ड में हेराफेरी का आरोप है। पिछले साल 13 अप्रैल को छापेमारी में रेवेन्यू सब इंस्पेक्टर भानु प्रताप के यहां जमीन से जुड़े रिकॉर्ड और रजिस्टर मिले थे, जिसके बाद जून में भानु प्रताप के खिलाफ रांची पुलिस ने केस दर्ज कर लिया था। रांची पुलिस की FIR पर इस मामले में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस का जो है दाखिल किया। और बता दें, इसकी जांच हुई तो पता चला कि भानु प्रताप उस बड़े सिंडिकेट का हिस्सा था जो सरकारी जमीनों की फर्जी सेल डीड बनाकर और रेवेन्यू रिकॉर्ड में हेराफेरी करके जमीनों पर कब्जा करवाता था। ऐसी कई जमीनों पर हेमंत सोरेन का भी कब्जा था। यही नहीं, सोरेन की कई संपत्तियों की जानकारी भानु प्रताप के मोबाइल से मिली। तथ्यों के मुताबिक ऐसे 12 जमीन के टुकड़े की लिस्ट मिली है जो लगभग 8.5 एकड़ में है। बताया गया है कि इन जमीनों पर सोरेन ने अवैध तरीके से कब्जा किया। इन पर जमीनों की फोटोज में भानु प्रताप ने कुछ भी लिखा था और उसे वेरीफाई भी किया गया। इस मामले में कई और लोगों ने PMLA के तहत बयान दर्ज किए। उन्होंने भी बताया कि ये जमीन के टुकड़े सोरेन ने अवैध तरीके से कब्जे किए और इन पर सोरेन का स्वामित्व है। ईडी ने PMLA के तहत एक सर्वे किया और पाया कि इन जमीनों पर सोरेन का अवैध कब्जा है। ये 8.5 एकड़ की जमीन अपराध से कमाई आय का हिस्सा है। दस्तावेजों के मुताबिक सोरेन इन जमीनों के अधिग्रहण और कब्जा करने में सीधे रूप से जुड़े रहे। फिलहाल जिस तरीके से ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया है, अब देखने वाली बात होगी कि कल कोर्ट से क्या फैसला आता है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट इन आवाज के साथ।